एक सब्जेक्ट लेने से पहले मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की कि पापा मैं लेना चाहता हूँ सर्जिक वीडियो कोर्स, तो उनको मैंने आपका अपना पूरा कोर्स दिखाया। तो फिर वो काफ़ी हैरान थे कि पूरी मैकेनिकल को एक फैकल्टी कैसे कवर कर सकती है, क्योंकि मैकेनिकल काफ़ी वास्ट डिपार्टमेंट है। तो फिर उनको मैंने दिखाया कि पापा ऐसे ऐसे है, तो आपका जो कंटेंट था उन्हें पसंद आया, तो और जिस भी टॉपिक में आप गए काफ़ी अप्रोप्रिएट और काफ़ी स्मूथ आपका फ्लो था। तो वो काफ़ी मतलब ये थे कि एक अकेला फैकल्टी पूरे मैकेनिकल को कवर कर रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। ये इंटरेक्शन हमारा होने वाला है विशाल श्रीवास्तव से, जो कि 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और गेट में इतनी अच्छी रैंक वो लाए हैं। उन्होंने बीटेक जो है वो अपना किया है MNIT इलाहाबाद से। अभी जैसा मैंने आपको बताया वो फाइनल ईयर में ही है, 8th सेमेस्टर में है, और ऑब्वियसली वो अपने एग्जाम्स जो कॉलेज एग्जाम्स हैं उसमें भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहाँ के वो टॉपर हैं। कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना इजी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं साथ में, तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे समझेंगे कि क्या कैसे इन्होंने सब कुछ मैनेज किया। और विशाल एक्सर्जिक के वीडियो कोर्स, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा कहीं और से आपने क्लासेस ज्वाइन की थी कोई? नहीं सर, मैंने केवल एक्सर्जिक का वीडियो कोर्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक ये जो इसी पर मैंने नोट्स प्रिपेयर किया और इसी को मैंने फॉलो किया। ओके। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना, उसके अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि असाइनमेंट्स देखने हैं और टेस्ट चलते रहते हैं, मिड सेम, एंड सेम, फिर फाइनल ईयर में और भी प्लेसमेंट की क्लासेस, प्लेसमेंट की कंपनीज आती रहती है, तो फाइनल ईयर काफी एक टफ ईयर होता है ऐसा देखा जाए तो कैसे उसमें आपने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया, मैनेज किया, और क्या चैलेंजेस फेस हुए, उनको कैसे ओवरकम किया, इस बारे में थोड़ा सर। मैंने थर्ड ईयर की शुरुआत में ये माइंड मेकअप कर लिया था कि गेट में एग्जाम देनी है, गेट के लिए जाना है स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या किया, मैंने केवल वही क्लासेस की जो बहुत ज़रूरी थी, जैसे जो क्लासेस उतनी ज़रूरी नहीं थी मैंने उसको स्किप करना सही समझा। ठीक है। फिर मैंने क्लास के बीच में ही जैसे कभी कुछ पढ़ा उसको उसे कोशिश लगाना या उसके नोट्स रिवाइज करना, तो पीछे बैठ के मैं क्लास में ही वो काम कर लेता था। अच्छा। जब मुझे लगता था कि नहीं ये जो क्लास में चल रहा है वो देखना ज़रूरी है, तो फिर मैं उस पर ध्यान देता था। तो इस तरह मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया। ठीक है। और मैं हॉस्टल में रहा नहीं, तो मैं बाहर आता था तो मेरे पास काफ़ी समय बचता था, वेस्ट नहीं होता था हॉस्टल में, क्योंकि और जो हॉस्टल में डिस्ट्रक्शंस होते हैं उससे भी मैं काफ़ी दूर रहता था। ठीक है। और फाइनल ईयर में लेकिन जैसा मैं पूछ रहा हूँ कि जब प्लेसमेंट का आई एम श्योर उसमें रहता होगा, क्लासेस अटेंड करनी है, यस सर, और प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर का, वहाँ कैसे आपने उस सबको मैनेज किया, कितना टाइम उसके लिए अलग से देते थे? सर फाइनल ईयर में हुआ था ये था क्योंकि कंपनीज आ रही थी तो प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करना था, तो मैं करीब करीब 6 घंटे डेली अपने गेट के लिए निकाल करता था। 6 घंटे हाँ डेली, कि इतने तो मुझे करने ही है 6 घंटे, उसके ऊपर गया तो वो प्लस पॉइंट है मेरे लिए। ओके। और मैं ऐसा सब कंपनी में नहीं भरता था जिसमें लगता था कि नहीं ये अच्छी कंपनी है तो उसके लिए मैं जाता था, उसके लिए जाता था। ऐसा नहीं की हाँ सब, और जो जरूरी है मैं बस वही काम करता था, और मेरा मेन फोकस गेट पे ही था, मेन फोकस गेट। हाँ, तो फाइनल ईयर में ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मेन फोकस मेरा क्या है, कंपनीज आ रही हैं तो उसमें किस में मुझे बैठना है, किस में नहीं बैठना है, इस चीज की स्टूडेंट्स को क्लैरिटी रहनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। यस सर, क्योंकि सर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंपनी के लिए जाते हैं और वो अपना महीना महीना गवा देते हैं प्रिपरेशन में ही, तो वो काफी क्रिटिकल वो होता है, टर्निंग पॉइंट हो जाता है। प्लेसमेंट क्लासेस भी चलती रहती है उन सबको अटेंड करने में। प्लेसमेंट क्लासेस अटेंड करने का ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल था कि अटेंड करनी ही करनी है? नहीं सर, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन वो लोग फोर्स करते थे कि आपके क्रेडिट्स कट जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन वो लोग ऐसा करते नहीं थे। लेकिन करते नहीं थे मेरे हिसाब से, ये कॉलेज स्पेसिफिक ये चीज देख लेनी चाहिए अपने कॉलेज के रूल्स के हिसाब से। यस सर, है ना। अच्छा, इसमें नोट्स मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जिसे आप रिवाइज करते हो, जो आपने सीखा है वो उसमें लिखा हुआ है, तो वो कैसे आपने नोट्स बनाए, क्योंकि आपने ऑनलाइन लेक्चर्स ही देखे एक्सर्जिक के, तो कैसे आप नोट्स मेकिंग का प्रोसेस क्या होता था, वीडियो देखते देखते बनाते थे, वीडियो देखने के बाद एक बार फिर से उसको देखते थे, या कुछ और तरीका आप यूज करते थे नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, वो स्पेसिफिक नोट्स मेकिंग रिलेटेड क्या चीजें आप? सर मैं नोट्स वीडियो के दौरान ही बनाता था, और ऐसे पूरी बात लिखने के बजाय मैं जो की पॉइंट्स होते थे उनको हाईलाइट करता था। अच्छा। और उनके बगल में मैं जरूरत पड़े तो मैं हिंदी में भी लिख देता था ताकि मुझे समझ में आए। अच्छा। कि ये किसके रिलेटेड दी गई है, किसके रिलेटेड चीजें दी गई है। हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी मेरे माइंड में अचानक से आई, क्योंकि वीडियो कोर्स में मैं तो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, तो उसको क्योंकि हिंदी तुमने प्रेफर किया, तो उसको समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आई? कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथ था। ओके, वो प्रोसेस तुम्हारा बहुत स्मूथ रहा। इसमें एक और चीज अभी जो हमारा इंटरव्यू से पहले डिस्कशन हो रहा था, वो चीज मैं पूछ लेता हूँ,
कि जैसे, क्योंकि तुम ही ने ये चीज मुझको मेंशन की तो मुझे लगा चलो मैं पूछता हूँ तुमसे, कि जैसे टेक्निकल के जो भी सब्जेक्ट्स हैं एक्सर्जिक में, वो सारे के सारे मैं ही पढ़ाता हूँ, तो उसमें तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हुई कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, या मैं क्योंकि सारे टेक्निकल के सब्जेक्ट्स कनेक्टेड है हैंडल करता हूँ, उस बारे में क्या तुम्हारे व्यूज है? नहीं सर, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सब आपस में बहुत तरीके से और बहुत स्ट्रक्चरली रिलेटेड किए हुए थे, तो काफी स्मूथ रहा राइट फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट, और जितने भी सब्जेक्ट्स थे उस पर काफी डेप्थ तक आपने गया और काफी प्रॉपर नॉलेज थी, काफी जो था कंटेंट वो पूरा था। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है गेट के लिए क्योंकि कंटेंट काफी सारा है, तो रिवीजन के लिए क्या प्लान बनाया था और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, उस बारे में थोड़ा बताओ। सर मैंने रिवीजन के, जैसा आपने बताया था कि सब सब्जेक्ट्स के एक साइकिल बना लो, ऐसे सोम थर्मो मैन्युफैक्चरिंग, तो मैंने सारे विषय को एक बाय एक नीचे स्टेप लिखकर मैंने एक साइकिल बनाई, फिर उस साइकिल को मैंने साइकिल वन साइकिल टू साइकिल थ्री ऐसा रिपीट करते रहा अपने गेट तक जिस दिन, हाँ डेली, तो फिर मैंने वो साइकिल फॉलो की और उसका मुझे बेनिफिट मिला उस साइकिल में। हाँ क्योंकि रिविजन एक ऐसी चीज है जो जनरली, जैसा मैं बताता हूँ तुम्हें पता ही होगा कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आखिरी में करेंगे जब सब सिलेबस खत्म हो जाएगा, डेली करने वाली चीज है, साइकिल में पहले सब्जेक्ट से आखिरी सब्जेक्ट जो भी पढ़ा है उसको साइकिल में कंटिन्यू आगे करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज आपने यूज की, तो उसमें कैसे, अगेन टाइम मैनेज करना होता है, क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है, तो वो कैसे किया, वो मतलब एनालिसिस पार्ट वो कैसे किया, शेड्यूल में कैसे इंक्लूड किया, थ्योरी के साथ साथ देखा, अलग से देखा, वो थोड़ा डिटेल में बताओ। सर क्वेश्चन बैंक का क्या था, तो मैं पहले जैसे टेस्ट देता था या क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो मैंने पूरा कर लिया क्वेश्चन सॉल्व, फिर मैं 1 घंटे का पॉज देता था और फिर मैं 2 घंटे केवल और केवल एनालिसिस के लिए रखता था कि मैंने गलती क्या की, मैंने क्या सोचा था और मैंने ऐसा क्यों सोचा था, तो वो बहुत जरूरी थी क्योंकि वो लाइन ऑफ थॉट्स को क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी था, तो फिर मैंने यही फॉलो किया टेस्ट सीरीज में भी, यही फॉलो किया मैंने क्वेश्चन बैंक में भी, क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वालिटी के थे तो पहली बार में नहीं पूरे बनते थे, लेकिन मैं उसको फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लिया, गलती को पहचान लिया, फिर मैं दोबारा उसको ट्राई करता था, हाँ एनालाइज करने का, क्या सीख सकते हैं उससे, और हर बार मैं कोशिश करता था कि नंबर पिछली बार से अधिक आए, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा आ जाए लेकिन वो प्रोग्रेसिवली बढ़े, प्रोग्रेसिव, हालांकि ये हर बार इंश्योर नहीं हो पाता, अगला टेस्ट मान लीजिए टफ है तो ऑब्वियसली हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, बट हाँ कोशिश हमेशा इम्प्रूवमेंट की रहनी चाहिए। तो कैसे जो फुल लेंथ टेस्ट है वो कब से स्टार्ट किए? सर मैंने दिसंबर 1 से मैंने फुल लेंथ शुरू, हाँ, और 2.5 महीने 14 जनवरी को, 14 फरवरी को गेट था, तो 1.5-2 महीने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। उसका क्या शेड्यूल बनाया फुल लेंथ टेस्ट लिखने के लिए, इक्वल इंटरवल्स पे किया या उसको वीकली किया, कैसे? जैसे मैंने सर एक साइकिल कंप्लीट की और साइकिल के एंड में मैं फिर टेस्ट देता था। अच्छा। फिर सेकंड साइकिल कंप्लीट हुई, फिर टेस्ट देता था। साइकिल कंप्लीट हुई मतलब मैंने समझा। मैंने सब सब्जेक्ट्स के, जैसे आपने बताया था कि सोम थर्मो की रिवीजन साइकिल, एट द एंड ऑफ एवरी साइकिल मैं टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट, और कितने ये रिवीजन, जो रिवीजन साइकिल का मतलब मैं एक बार बता देता हूं, जैसा मैंने बताया मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कोर्स में कि रिवाइज आपको साइकिल में करना है कंटिन्यूअस, कभी डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं, तो एक रिवीजन साइकिल में एक बार आप फुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिवाइज कर लेते हो अपने शॉर्ट नोट से, तो वो एक रिवीजन साइकिल कंप्लीट करने के बाद एक फुल लेंथ टेस्ट विशाल ने दिया, वो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा था दिसंबर में जनवरी में? सर ऑलमोस्ट अ वीक, ऑलमोस्ट अ वीक, एक वीक के अंदर पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिवाइज। तो मैं कह सकता हूँ कि आपने दिसंबर से लेके एग्जाम देने तक कम से कम 10 बार पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपने नोट से रिवाइज कर ली। मैं गेट की प्रिपरेशन में कई बार ऐसा होता है कि उस जर्नी के दौरान मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मोटिवेशन और डिसिप्लिन की कमी है, तो उस चीज को तुमने कैसे टैकल किया और क्या टिप्स तुम देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को इसके रिगार्डिंग? सर कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट देते हैं, हमारे नंबर नहीं आते, जो स्वाभाविक है क्योंकि फर्स्ट टाइम टेस्ट देंगे तो नंबर कम ही आएंगे। ठीक बात है। तो होता क्या था कि ऐसा उससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था मैं खुद डिमोटिवेट हो जाया करता था, लेकिन फिर एक ख्याल आता था कि मैंने काफी मेहनत की है, मैं इस इतने दिन के मेहनत को एक झटके में नहीं ऐसे छोड़ सकता। बिल्कुल। तो मैं ऐसा कहता था कि नहीं ठीक है, अब मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी जो मेरा काम है उसको एक बार रिव्यू करता हूँ, उसमें तो गलती नहीं है, और ये जरूरी है अपने आप पे रिव्यू करना, अपने कार्यनीति पर रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन डायरेक्शन गलत होने के कारण हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। नहीं आ पाते। हाँ। और दूसरा सवाल सर आपका ये था कि कैसे अपने आप को ये रखें फाइनल, हाँ, और फाइनल स्टूडेंट्स किस तरह प्रिपेयर करें। तो होता क्या है कि हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी, हमें करना क्या है,
क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स डालमा में रहते हैं कि प्लेसमेंट्स में जाएं, गेट के लिए जाएं, वो चाहते हैं सभी कुछ कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। तो उन्हें ये उन्हें ये तय करना होगा कि उनकी सबसे बिगेस्ट प्रायोरिटी क्या है। उनके उन्हें अगर प्लेसमेंट में जाना है तो वो उसमें पूरी लगन से लगे, लेकिन नहीं अगर गेट करना है तो सबसे पहले इसको ऊपर रखना होगा उन सभी चीजों से, उन सभी चीजों। हाँ, और केवल उन्हीं चीजों में जाना होगा जो अति आवश्यक लगे कि हाँ इसमें जाना चाहिए, उसमें जाना जाना उनको चाहिए। सही है। और हाँ, अगर मैं इसको समराइज करूं तो डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए क्योंकि टाइम लिमिटेड है, काम बहुत सारे हैं करने के लिए। प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपकी तय होनी चाहिए कि आपको क्या करना, क्या है? करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में, टेस्ट में मार्क्स ना आए तो वो वजह स्टार्ट सोचें कि क्यों आपने उसको स्टार्ट किया था, है ना, और इतनी मेहनत को मैं वेस्ट ना होने दूं, क्या कमी है उसको ढूंढूं। जैसा कि मैं कहता भी आया हूँ कि क्वेश्चन सॉल्विंग टेस्ट सीरीज का टारगेट होना चाहिए कि कैसे खुद को और इम्प्रूव करें, ना कि बार बार अपने आप को चेक करते रहें। तो आई एम श्योर उस डायरेक्शन में आपने आगे स्टेप्स लिए, और मैं आई विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप और आगे बढ़ेंगे और स्टूडेंट्स के लिए आगे भी ऐसे ही मोटिवेशन की एक वजह बनेंगे। थैंक यू सर।